डॉक्टरों से भी कुछ आपने जो है उन्हें डायरेक्शन दिया, क्या वजह थी? कल मुझे सडनली पता चला, सीओ साहब का फ़ोन आया कि एक बच्चे ने जहर खा लिया है, तो मैं वहाँ तुरंत पहुँची, उसकी हालत गंभीर बताई गई। तो जब मैं पहुँची तो एक मैं चाहती थी कि मेडिकल अटेंशन अच्छे से मिल रहा हो, ये भी देखना था, और उसके अलावा अगर ऐसा लगता है कि वो नहीं बच पाएगी तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन ही लेना। तो मैं इसलिए पहुँची, तो वहाँ पर फिलहाल स्थिति उसकी, उस पर ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, तो उन डॉक्टरों को एकदम अलर्ट कर दिया कि बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो ताकि उसकी जान बच सके। प्लस उसने जो जो बयान दिए वो भी मैंने नोट कर लिया। अच्छा, कुछ कुर्सी वाली बात थी जिस पे आपने डॉक्टरों को कहा, उसको लेकर जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं था, बस लापरवाही न बरती जाए इसके लिए कहा गया, और पुलिस को सहयोग मिले। चंद्रकांत ना, ये किस पोस्ट पे हैं? इससे तो मैं बात भी नहीं करूंगी, और अगली बार ऐसे बात करें खिंचवा के डॉक्टर के थाने बैठवाऊंगी। यहाँ आई थी कुछ निरीक्षण वगैरह करने किसी और काम से, यहाँ पे उनका किसी डॉक्टर से वाद विवाद हुआ, किस तरह आप देखती हैं जिस तरह वो चेयर पे बैठी थी, या किस तरह आप देखती हैं? देखिए, ऐसा ही शायद कल रात की घटना है, और इसमें एक लड़की थी जिसने कुछ जहर खा लिया था, तो उस ऐसी कंडीशन में हो सकता है SDM मैडम का भी मूड थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होगा कुछ, और डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश हैं वो लेवल 4 के डॉक्टर हैं, वो राउंड लेकर पहुँचे थे अपने चैम्बर में, तो वो शायद परिस्थिति का आकलन भी नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी चेयर पे वो बैठ गए थे, तो उसी को लेकर थोड़ा सा शायद मैडम गर्म हो गई थी। लेकिन इस बारे में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ कि कुछ नियम होते हैं, रूल ऑफ कंडक्ट जिसे बोलते हैं एक अधिकारी के, जिसमें आर्मी में अगर आपने एक नियम सुना होगा कि अगर आपका सीनियर अधिकारी है और सेकंड सीनियर आता है तो आप उसके रिस्पेक्ट में खड़े नहीं होंगे अगर सीनियर मोस्ट बैठा है। दूसरा एक नियम है कि हम किसी के भी चैम्बर में जाएंगे, किसी भी अधिकारी के, तो उस अधिकारी के चेयर पर बैठना हमारा अधिकार नहीं है, हम उस अधिकारी के चेयर पर नहीं बैठ सकते। या हम किसी कर्मचारी के भी चैम्बर में जाते हैं, जैसे आप क्लर्क के चैम्बर में जाएंगे तो आप क्लर्क की सीट पर नहीं बैठ सकते, आप उसके सामने की सीट पर बैठ जाएँ, या अगर आप वहाँ चेयर की कमी है तो आपके लिए चेयर मंगाई जा सकती है, लेकिन हम उस अधिकारी या कर्मचारी की सीट का प्रयोग नहीं कर सकते। और एक अधिकारी का दूसरे अधिकार, हमारे जितने भी अगर इवेंट जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसको भी हम चिकित्सक अधिकारी बोलते हैं, तो एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी के प्रति रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए जैसा मैं सोचती हूँ। अच्छा मैम, वो EMO की कुर्सी पर बैठ के उनका जो वीडियो आया है उसमें वो कह रही हैं कि वो डॉक्टर्स को जेल भिजवा, खींच के जेल भिजवा देंगी, ये हो सकता है उन समय का उनका बिहेवियर उनके मूड पर डिपेंड करता है, हम इसका विरोध नहीं करते, कभी कभी मूड जो हो आदमी का ख़राब होता है, उन्होंने हो सकता है कि खाली चेयर देख कर या वो राउंड लेके डॉक्टर साहब पहुँचे थे, इस वजह से वो थोड़े से गर्म माहौल में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी हमें किसी भी अधिकारी और कर्मचारी से अगर हम रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करेंगे, हमें मेडिकल इथिक्स सिखाई जाती है कि हम मरीज तक से एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर की उम्मीद करते हैं डॉक्टरों से, तो अधिकारियों को भी एक दूसरे के प्रति थोड़ा नर्म और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना चाहिए।